अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खेड़ा कलर कहार टूर का आज हमारा दूसरा दिन है और अभी मैं सुबह सुबह निकला हूँ बाहर ये कलर कहार पे। तो अभी जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे करीब ही है तख्ते बाबरी, तो वहाँ पे जाऊँगा पहले, फिर झील ओपन होगी, झील का नज़ारा करेंगे और उसके बाद एक दरबार है यहाँ पे, वहाँ पे भी ज़ियारत करेंगे। अभी बिल्कुल सुबह सुबह है और मैं ये सुबह सुबह ये बाहर निकला हूँ कलर कहार की तरफ। पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो जो सूरज तलू हो रहा है, तो तलू होने के कितना खूबसूरत मंज़र है और यहाँ पर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ बहुत ही सुहानी लग रही है। वीडियो में आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है ना ये मेरे झील है, ये इस साइड पे मेरे बिल्कुल सामने ये झील है, झील कलर कहार। तो वहाँ पे भी चलते हैं। तो कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी खेड़ा साल्ट माइन की, कटास राज की और दरबार सही सईदन शाह की, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस के मुतालिक अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। दोस्तों तख्ते बाबरी जो है झील कलर कहार के बिल्कुल सामने है, थोड़ा सा फासला है, थोड़ी सी चढ़ाई करके आपने ऊपर आना है। नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है जो आपकी रहनुमाई करेगा कि आपने किस साइड पे जाना है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तख्ते बाबरी की कुछ तस्वीर लिखी हुई है डिप्टी कमिश्नर चकवाल की तरफ से। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये एक तख्त पर मैंने आपको पहले दिखाया था, लिखा हुआ है कि बाग के दरमियान जहीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पे एक पत्थर को तराशा था, पत्थर को तराश कर उसने अपना एक तख्त यहाँ पे उठाया था। और जब जहीरुद्दीन बाबर बेरा से जंग करके यहाँ पे आया तो उसने ये तख्त बनवाकर यहाँ पे बैठ के अपनी फौज से खिताब किया और यहीं पे बैठ के जहीरुद्दीन बाबर झील कलर खाल का नज़ारा किया करता था। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो तख्त जो उसने यहाँ पे बनवाया था, ये वाला तख्त है, सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो इस तख्त के अलावा यहाँ पे जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा वो सामने एक दरबार है, वो काबिले दीद है, वहाँ से झील का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और यहाँ पे मोरों की कसरत है, मोर ज़्यादा होते थे और चश्मे गंदक के या पानी सादे के भी चश्मे थे उस वक्त भी, अब भी हैं। और मज़ीद इसके अलावा यहाँ पे लोकाट के दरख्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा कसरत में मिलते हैं। ये झील का नज़ारा आप देख सकते हैं सन राइजिंग में, असल में मैं और वसीम सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे आ गए हैं झील का नज़ारा करने के लिए। अभी तक तो आवाम सोई हुई है, कोई निकला ही नहीं बाहर, तो सन राइजिंग में झील का नज़ारा बड़ा ही बेहतरीन है। वादिय कलर कहार में ये दरबार शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हों के पोतों हजरत सखी मोहम्मद याकूब और हजरत सैयद सखी मोहम्मद इसहाक का है। बागास से मुलहिका पहाड़ की नोक पर यह खूबसूरत दरबार है जिसे आहू बहू के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हजरात अपने दादा हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हों के हुक्म से और एक माई सकीना बीबी की फरियाद पर मुसलमानों की मदद के लिए इस वादी में तशरीफ लाए, क्योंकि उस वक्त यहाँ हिंदू राजाओं की हुकूमत थी। दोनों हजरात जंग में शहीद हो गए। हजरत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन हजरात को आहू बाहू के लकब से नवाजा और फरमाया कि जिसने फैज पाना हो वो कलर कहार में आ जाए। हर लम्हा हमारी निगाह कलर कहार पर है। हजरत सुल्तान बाहू बाबा फरीद के अलावा बहुत से औलिया ने यहाँ सलामी दी।
दोस्तों उस वाले जो पीछे मेरा नजर आ रहा है दरबार, उस दरबार से ये ऊपर जो दरबार है पीर फजल शाह साहब का, यहाँ पे आने के लिए ये लिफ्ट लगी हुई है और लिफ्ट में 100 रुपया पर पर्सन है। लिफ्ट के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आप पैदल ऊपर जा रहे हैं। ये मिज़ार हज़रत सही फाजल बगदादी हसनी हुसैनी अलमरूफ मोरा वाली सरकार का है, जो नीचे नज़र आने वाले दरबार में मदफन हज़रत सही मोहम्मद याकूब और हज़रत सही मोहम्मद इसहाक के उस्ताद हैं। जब हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने दोनों पोतों को इस वादी में जाने का हुक्म दिया और दोनों हजरात तैयारी के बाद रवाना होने लगे तो हज़रत सही फाजल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हुई और सारा माजरा सुनने के बाद साहिबे मिजार ने फरमाया कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ और यूं आप भी हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हों के पोतों के साथ इस वादी में तशरीफ लाए और दोनों पोतों की शहादत के एक हफ्ता बाद हजरत सही फाजल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की भी शहादत हो गई। यहाँ पे आप एक मज़ार देख सकते हैं, मज़ार पे हाजिरी देने के बाद आप यहाँ पे, मैं एक टॉप पे पहुँचा हूँ, यहाँ से टॉप पे आप पूरे कलर घर का नज़ारा कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और पीछे झील भी है, मैं आपको भी वो सारा नज़ारा दिखाता हूँ। सुबह के वक्त यहाँ का नज़ारा काबिले दीद है, यहाँ पे सामने वो पहाड़ भी हैं, उसके देखिए अभी तक सन राइजिंग का कितना खूबसूरत मंजर है, उसके सामने ये नीचे जो कलर कहार के झूले वगैरह लगे हुए हैं और साथ ही ये कलर कहार की झील भी है। इस साइड पे कलर कहार की ये सारे इलाके की आबादी है और ये दरबार है, इसके नीचे एक दरबार है, फिर दूर तक आप यहाँ पर नज़ारे कर सकते हैं, बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा रहते हैं। अगर यहाँ पे आप आएँ तो सुबह के वक्त इस पहाड़ के ऊपर इस दरबार पे ज़रूर आएँ, तो तमाम रास्ता कंप्लीट है, बना हुआ रास्ता है, पक्का रास्ता है और रास्ते के बाद यहाँ पे आपको लिफ्ट भी मिल जाएगी, लिफ्ट के ज़रिए आप इस दरबार पर आ सकते हैं। दोस्तों कलर कहार में यहाँ पे चश्मों का ही ज़्यादातर पानी है और तारीख में भी अगर देखें तो तारीख में भी ज़्यादातर ये चश्मों का जिक्र है कि चश्मे थे, इसके अलावा चश्मों के अलावा पानी का सिस्टम नहीं था यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे एक चश्मा है, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और ये तो एक थोड़ी सी बनाई हुई है उन्हें यहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए, असल चश्मा इससे पीछे है जिसकी जगह बंद हो चुकी है, असल चश्मे तक जाना मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पर ये चश्मे से सारा पानी आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने ये देखे इन पाइपों के जरिए ही सारे शहर को पानी यहाँ से काम किया जाता है। दोस्तों कलर कहार की सैर करते करते अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, ये दरबार के साथ ही है, जो चश्मा मैंने आपको दिखाया उसके बिल्कुल साथ है ये बागे सफ़ा,
ये वो बाग है जो जहीरुद्दीन बाबर ने लगवाया था। जब जहीरुद्दीन बाबर यहाँ पे आया, उसने तख्त बाबरी पे बैठ के अपनी फौज से खिताब किया और उसके बाद यहाँ पे उसने ये जहीरुद्दीन बाबर ने लोकाट का ये बाग लगवाया। ये सारा लोकाट का बाग है, ये दरख्त लोकाट के हैं। और यहाँ पे एक जो मशहूर चीज है, यहाँ पे जो ज्यादा ये दरख्त है कलर कहार में लोकाट के दरख्त बहुत ज्यादा है। बाग से दरबार शरीफ का मंजर बड़ा प्यारा नजर आ रहा है। ये दरबार शरीफ के बिल्कुल नीचे बाग है, बागे सफा। दोस्तों, बागे सफा से वापसी पर हम यहाँ पे कलर कहार म्यूजियम में आए हैं। यहाँ पे ये साथ ही है बागे सफा के और तख्ते बाबरी के बिल्कुल साथ ये म्यूजियम है। वहाँ पे वीडियो वगैरह बनानी तो अलाउ नहीं है, हमने इंतजामिया से परमिशन लेके थोड़ी सी वीडियो बनाई है और थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं। तो क्या चलते हैं, अब लास्ट पॉइंट हमारा झील, झील पे जाके झील के मनाजर देखते हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे सवेक लेक की तरफ। दोस्तों, कलर कार में आपको इस तरह की मुख्तलिफ जगह पे शॉप्स मिल जाएंगी, ये लगी हुई हैं। ये बिल्कुल खालस अर्क है, यहाँ पे अर्क गुलाब चौर का अर्क है और ये मुरब्बे वगैरह बिल्कुल खालस यहाँ पे शायद मिलते हैं। बाबा जी बिल्कुल खालस होते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल खालस। हाँ जी बिल्कुल खालस है यहाँ पे, ये यहाँ की मशहूर चीज़ है, जगह जगह आपको ये नजर आती है कलर कार में। म्यूजियम का विजिट करके अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं कलर कहार झील पे, तो अभी वहाँ पे जाते हैं टिकट वगैरह लेके, तो घूमते हैं।